हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और मज़ेदार वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लुत्फ़ उठाएंगे राजस्थान की मिठास का और जानेंगे राजस्थान के प्रसिद्ध पकवानों के बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, राजस्थान का अपना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यह यहाँ के कला व संस्कृति, किलों, त्योहारों वे यहाँ के व्यंजनों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। राजस्थानी खाना जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहतमंद भी होता है। राजस्थान में आपको खाने की इतनी वैरायटी मिल जाएगी जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो चलिए जानते हैं इन्हीं लजीज जायकों के बारे में। पहले नंबर पर है छेना मालपुए। ताज़ा पनीर में मिठास से भरे हुए यह मालपुए का एक बाइट आपके मन को मिठास की दुनिया में पहुँचाने के लिए काफ़ी है। दूसरे नंबर पर रहे देसी घी से भरपूर व मीठी चाशनी में डूबी हुई बालूशाही, जिसे भारतीय व्यंजनों का शहंशाह भी कहा जाता है। आपके मुंह में मीठी चाशनी भरने के लिए यह काफ़ी है। तीसरे नंबर पर शाही इमरती आपके मुंह में घुलने के लिए तैयार है। चौथे नंबर पर पेश है राजस्थान की कठोर सर्दियों में गर्मा गर्म मूँग दाल का हलवा। पाँचवें नंबर पर पेश है दूध और गेहूं से बनी उदयपुर की प्रसिद्ध मिठाई दूधिया खींच। छठे नंबर पर है साधारण बर्फी की तरह दिखने वाली दिलकुशाल मिठाई, जिसे बेसन की चक्की और मोहनथाल के नाम से भी जाना जाता है। सेवन्थ नंबर पर है जोधपुर की मावा कचौड़ी, जिन्हें इंडियन पेस्ट्री के रूप में भी जाना जाता है। एट्थ नंबर पर है हल्की मिठास ली हुई है गोलू मोलू बेसन के लड्डू, जो पूरी इंडिया में फेमस है। नाइन्थ नंबर पर है राजस्थान की संस्कृति की पूरी तरह तारीफ करता हुआ घेवर का रूप व स्वाद। राजस्थान के व्यंजनों की बात हो रही हो और दाल बाटी चूरमा का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। इस मिठाई ने पूरे भारत के लोगों के दिलों में घर बनाने के लिए सारी भौगोलिक सीमाओं को पार कर लिया है। बारहवें नंबर पर है मुगल काल से प्रसिद्ध जादुई स्वाद से भरपूर सोहन हलवा। अंत में है कड़वाहट मसाले और मिठास के संयोजन से बना मेथी दाना लड्डू।